हेलो दोस्तों हमारे पास आ चुका है कक्षा ग्यारह का जो पेपर है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए तो जिसने हमें प्रोवाइड करवाया था उसने अपना रोल नंबर येलो मार्क सॉरी रेड मार्क कर दिया है उसे अपना रोल नंबर नहीं बताना था तो कोई बात नहीं हमें रोल नंबर से कोई मतलब नहीं है हमें क्वेश्चनों से मतलब है क्योंकि आपका सिलेबस सेम है तो क्वेश्चन ही हमें इम्पोर्टेंट है तो पहला प्रश्न है आपका मलमल कहाँ की प्रसिद्ध है दूसरा क्वेश्चन है भारत दूरदर्शन नाटक के लेखक कौन थे आपके ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र राजा राम मोहन राय बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनाथ थर्ड क्वेश्चन है उसको देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके दोस्तों इससे पहले हमने दो तीन वीडियो और प्रोवाइड करवाए हैं क्वेश्चन उनमें से ही आ रहे हैं और एक वीडियो आपको आप प्रोवाइड करवा रहे हैं ये तो इन सभी को देख लें आपका आसानी से काम हो जाएगा पेपर का तो सारे वीडियो को देख के जाएं एक वीडियो को देखकर आप बोलते हैं कि सर आपके बताए हुए क्वेश्चनों में से कुछ नहीं आया तो हम आपसे वापस बोलते हैं जितने भी वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं वो सारे देख के जाने एक सिर्फ एक वीडियो से काम नहीं चलेगा तो तीसरा प्रश्न देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस बांध को चमत्कारिक वस्तु कहा है फोर नंबर है प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये सब करवाए हुए क्वेश्चन है और देखिए वैसे के वैसे उठकर आ गए हैं थर्ड क्वेश्चन भी हमने करवाया था चार नंबर क्वेश्चन भी करवाया था पाँच नंबर क्वेश्चन है भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा यह शब्द रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके लिए कहा है ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है छः नंबर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की नींव राजस्थान में कहाँ से रखी गई तो ये कहाँ से रखी गई थी नागौर से सात नंबर प्रश्न है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है आठ नंबर है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है नौ नंबर प्रश्न है पंचशील सिद्धांत के प्रणेता कौन थे ये क्वेश्चन भी करवाया है दस नंबर प्रश्न है भारत में ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति कब मिली अब है आपके क्वेश्चन जिनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है ग्यारह नंबर है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये करवाया हुआ क्वेश्चन है बारह नंबर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है यह भी करवाया क्वेश्चन है तेरह नंबर क्वेश्चन है खाली जगह की अध्यक्षता में उन्नीस सौ ईस्वी में रिपोर्ट पेश की गई जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का आधार बनी ये भी क्वेश्चन करवाया है हमने क्वेश्चन नंबर चौदह है सोलह अक्टूबर दो उन्नीस सौ पाँच को खाली जगह विभाजन का निर्णय ने लिया गया यह क्वेश्चन भी करवाया था हमने पंद्रह नंबर है जलियावाला बाग भारत के पंजाब राज्य के किस शहर में है यह है अमृतसर शहर में सोलह नंबर है भारत सरकार ने खाली जगह में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की सत्रह नंबर है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं अठारह नंबर है धन निकासी को खाली जगह ने अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है यह क्वेश्चन भी करवाया है हमने अवैध अति लघुतरात्मक प्रश्न उन्नीस नंबर प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का हुई उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी बीस नंबर है राजा राम मोहन राय के दो सामाजिक सुधार लिखिए इक्कीस नंबर है पूर्ण स्वराज्य की मांग कब और किस अधिवेशन में रखी गई बाईस नंबर है रेगुलेटिंग एक्ट क्या है तेईस नंबर है रैयतवाड़ी व्यवस्था को संक्षिप्त में बताइए चौबीस नंबर है गर्म दल के प्रमुख नेता कौन थे पच्चीस नंबर है बारहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रखा गया था छब्बीस नंबर है मुझे गरीबी बेरोजगारी और भारतीय लोगों की दुर्दशा को समाप्त करने के लिए समाजवाद के अतिरिक्त कोई मार्ग दिखाई नहीं देता नेहरू जी के समाजवाद को स्पष्ट कीजिए सत्ताईस नंबर है भिलाई इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना व किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है अट्ठाइस नंबर है भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब व क्यों की गई उनतीस नंबर है योजना आयोग की स्थापना कब हुई व स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था तीस नंबर है आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हो इकतीस नंबर है प्लासी के अधूरे कार्य को बक्सर ने पूरा किया उपयुक्त कथन को स्पष्ट कीजिए बत्तीस नंबर है गांधी सागर बांध परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तैंतीस नंबर है, है पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है चौंतीस नंबर प्रश्न है आपका आर्थिक विकास में बॉम्बे प्लान क्या है पैंतीस नंबर है एस एल वी जी एस एल वी पी एस एल वी में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए छत्तीस नंबर क्वेश्चन है साइमन कमीशन क्या है इसका विरोध क्यों हुआ सैंतीस नंबर प्रश्न है संविधान निर्माण के लिए कौन कौन सी समितियां बनी थी अड़तीस नंबर है महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह क्या है समझाइए उनतालीस नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य क्या थे अब है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न इनको देखने से पहले आपसे भी इसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बैल को ऑन कर लें जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जाइए ज्वाइन कर लीजिए और इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है सेवन एट डबल सेवन एट नाइन डबल सिक्स फोर एट जैसे ही इस वीडियो को अपलोड करने के बाद इस पर एक हज़ार व्यू आ जाएंगे हम आपको इसके उत्तर प्रोवाइड करवा देंगे तो फटाफट से वीडियो को देखना है आपको अपलोड होने के बाद और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है तो जैसे ही एक हज़ार होंगे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा अब देखते हैं निबंधात्मक प्रश्न यानी कि दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है नीति आयोग क्या है वर्णन कीजिए इकतालीस नंबर है नेहरू जी के अंतर्राष्ट्रीय वाद पर वैचारिक दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए बयालीस नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी युग के योगदान को स्पष्ट कीजिए तयलीस नंबर है भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए चौवालीस नंबर है भारत में लागू होने वाली पंचवर्षीय योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए पैंतालीस नंबर है, है पंचशील सिद्धांत क्या है विस्तार से समझाइए तो ये थे सारे क्वेश्चन जो आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं तो सभी प्रश्नों को देखें याद करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक थैंक यू